यार आज ना आप लोगों से कुछ दिल की बात करनी है, मतलब जो मेरी यूथ है स्पेशली देखने वाली है। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि यार कभी अमेरिका, कभी मक्का, कभी तुर्की, कभी यूके, क्या जिंदगी है, कभी यूरोप घूम रहा है बंदा, क्या लश पश लाइफ स्टाइल है यार इसका। और आज देखने वाले लाखों हैं, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही, आप नाच कर रहे हो, रश कर रहे हो, सही कर रहे हो। लेकिन यार मैं वही बिलाल मोइन हूँ जो थोड़े से रुपए PKR रुपए बचाने के लिए किलोमीटर्स की किलोमीटर्स पैदल वॉक किया करता था। सख्त सर्दी में, दिसंबर जनवरी की सख्त सर्दी में मोटरसाइकिल पे ठिठड़ता हुआ मैं काम किया करता था। थोड़े से पैसे बचाने के लिए खाना स्किप कर देता था कि यार चलो रात को घर ही जाके खा लेंगे, मसला नहीं है। अभी दोपहर में क्या इतनी महंगी बिरयानी खाने जो सब दोस्त खा रहे हैं। सुबह सुबह उठ के 3:30 बजे, मुझे याद है 3:30 बजे उठ के एक बस जाती थी, और उसमें जिस शहर में रिमोट एरिया में रहता था, सिंध के मैं रिमोट एरिया में, वहाँ से जो बस जाती थी उसमें कराची, उसमें बैठने का जगह नहीं मिलती थी। मोटा जो होता था ना बीच में स्टूल, कोई स्टूल भी नहीं मिलता था। मुझे 4-4.5 घंटे खड़े होकर जाना पड़ता था, 4.5 घंटे पूरे कराची सदर तक, सदर से फिर पैदल ही पैदल वो DHA में मेरा ऑफिस था, वहाँ जाना पड़ता था। तो ये जो कामयाबी है ना यार, ये एक प्रोसेस से मिलती है, इस प्रोसेस से हर एक को गुजरना पड़ता है। मैं भी उसी प्रोसेस से गुजर के आया हूँ। मतलब अगर आप ये समझो ना कि यूं चुटकी बजी और ये बिलाल मोइन, भाई मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आप करोड़ों लोग मुझसे बहुत अच्छे हो, करोड़ों लोग, जो 2007-08 की 6-7 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो एक दिन आपका भी आएगा, एक दिन आपका भी आएगा, आप ऐसे घूमोगे फिरोगे चिल करोगे, इंशाल्लाह अपनी लाइफ को मुझसे बेहतर जियोगे, मुझसे बेहतर जियोगे। लेकिन उस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है, मिडिल क्लास वाले बच्चे को तो लाजमी गुजरना पड़ता है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो टेंशन मत लो, बस मेहनत करो, जम के मेहनत करो, जम के मेहनत। क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और उनके अंदर जो एबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी है ना, देखो जहाँ दौलत नहीं होती ना वहाँ स्ट्रगल होता है, सर्वाइवल होता है, जंग होती है। और जो हम जैसे लोग हैं ना, वो अपनी जंग को बहुत अच्छे तरीके से लड़ना जान जाते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ खुद ही करना होता है। हमारे ऊपर जो है ना बैठे नहीं होते, भाई बैठा है बड़ा, बाप बैठा हुआ है, कर देगा यार, देख लेंगे, कोई हमें पैम्पर करने वाला कोई नहीं होता। हमें अपनी सारी जो अचीवमेंट्स है ना, वो खुद खींच के लेनी पड़ती है, दुनिया से लड़के लेनी पड़ती है। तो आप लोग डिसहार्ट मत हो, मेहनत करो जम के, इंशाल्लाह एक दिन आपका दिन भी ऐसा आएगा कि आप राज कर रहे होगे, दुनिया पे घूम फिर रहे होगे, फ्री फ्री जो दिल कर रहा होगा, जहाँ दिल कर रहा होगा जा रहे होगे, जहाँ दिल कर रहा होगा घूम फिर रहे होगे, ऐसे चिल फिल लाइफ गुजार रहे होगे जैसे आज बिलाल मोइन गुजार रहा है। तो मैं दुआ करूँ मेरे तमाम देखने वाले बच्चे, शॉर्टकट के पीछे मत जाना, प्रॉपर प्रोसेस से गुजर के जाना, क्योंकि शॉर्टकट जो है ना उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है उसकी ज़िंदगी। लेकिन जो रास्ता अपना खुद बनाओगे ना, तुम खुद कामयाबी समेटोगे, वो लाइफ टाइम चलेगा आपका। मैं अगर आज दोबारा से ज़ीरो हो जाता हूँ ना, तो अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला ने इतनी कैपेबिलिटी दी है कि वो रास्ते, वो सीढ़ियाँ मैं खुद से दोबारा अल्लाह पाक के हुक्म से बना सकता हूँ और अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने सारे धक्के खाए हैं, मैंने सब रगड़े खाए हैं, मुझे सब पता है। तो भाइयों, देखने वाले बच्चों स्पेशली, डोंट गेट फेड अप, अपनी जंग लड़ते रहो, कामयाबी तुम्हारे ज़रूर ज़रूर एक दिन कदम चूमेगी। वक्त लगेगा, प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, बट यू विल गेट सक्सेस श्योरली, 110%। ट्रस्ट इन अल्लाह, ट्रस्ट इन प्रोसेस।